100 का नोट 500 के नोट में बदल गया है ना जादू। शहर के चौराहे पर जादूगर का मंच सजा था। राकेश कुमार उर्फ बंटी भैया जादू दिखाने के साथ उसके राज भी बताते हैं ताकि लोग अंधविश्वास और ठगी से सतर्क रहें। मेरे पास ये केवल 500 का एक नोट नहीं है, इसके साथ 100 का नोट भी मेरे पास है, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। मैंने आपको कैसे दिखाया था कि ये 500 का नोट, तो मैंने क्या किया, इस तरह से फोल्ड किया और इसको अपनी अंगुली के जो ये जो हाथ है इसके अंदर जो ये खड्डा है, इस खड्डे के अंदर इसको फंसा लिया। आपको अंगूठी का जादू दिखाया था, जो पीछे खड़े हैं कौन, मुकेश जी, मुकेश जी की अंगूठी 1 की 2 बन गई। इन्होंने बहुत अच्छा लालच किया कि 2 बना दो और इनकी 2 बना दी। आप बंटी भैया हैं क्या? हाँ सर, मैं बंटी भैया ही हूँ। मेरा नाम आकाश है। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जादू दिखाते हैं। हाँ, अभी ये जादू का शो चल रहा था, सभी दर्शक देख रहे हैं। हम क्या, जो अंधविश्वास मिटाने की मुहिम है जो हमारे पिताजी ने चालू कर रखी थी, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कैसे कैसा कैसा जादू दिखाते हैं, एक बार दिखाइए मुझे भी। हमारे कहने पर बंटी एक और जादू दिखाने के लिए तैयार थे। अब ये सबके सामने चुटकी बजाकर ग्लास के पानी को बर्फ बना देंगे। गिलास है मेरे पास कांच का, इसके अंदर मैं ये पानी डालूंगा और मिनटों के अंदर ये बर्फ बन जाएगी। कैसे? देखिए मैं डाल रहा हूँ, देख लीजिए, ये मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देता हूँ और मैं इसको इस पे अब मैं मंत्र लगाता हूँ, गिली गिली छू करूंगा और ये बर्फ बन जाएगी, है ना चमत्कार। अब अगर ये चुटकियों में बर्फ बन जाए तब क्या मानोगे आप? ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात होगी। हैरानी की बात है ना, तो ये बन गई बर्फ भैया, ये बन गई बर्फ, ये बर्फ बन गई है। ये कैसे, ये आपने कैसे कर दिया, ये तो सही में ऐसा लग रहा है कि बर्फ है। हाँ, ये मैं आपके हाथ के में निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कितनी टाइट बर्फ जमी है, देखिए। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने पानी बर्फ में तब्दील हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? जो बच्चों के जो पहनने के होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के डायपर, वो डायपर को जब हम फाड़ते हैं उसके अंदर ये केमिकल निकलता है, दाने दाने सा के अंदर केमिकल होता है। हम सही जगह और सही शख्स के पास पहुंचे थे। इसके अंदर देखो, ये देखो, ये व्हाइट व्हाइट कलर का ये निकल रहा है, ये देखो ये केमिकल जब पानी में टच होता है तो बर्फ बन जाता है। बंटी को हमने नारियल बाबा की पूरी कहानी बताई, नारियल घूमने वाली तस्वीरें दिखाई, फिर पूछा ये चमत्कार है या कोई जादू। वो एक ट्रिक है। हाँ। मैंने क्या कहा, जादू जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक अच्छा लगता है, इसी तरह वो नारियल जब घूमता है तब एक मतलब जब तक समझ में नहीं आओगे ना तब तक वो आपको चमत्कार लगेगा। आप ये बोलोगे उसने कहा एकदम सही है नारियल घूमता है, बल्कि उसके अंदर भी ट्रिक है, मैं आपको करके भी दिखा दूँ। जो हमने जोधपुर के खेत में देखा था, जिसे बाबा ने चमत्कार बताया था, वो अब शुरू में इस पेड़ के नीचे होने वाला था। कपड़ा साथ में रखते हैं और ऐसी एक चौकी रखते हैं और इस तरह, ये नारियल असली है ना, देखिए। हाँ, नारियल तो है, ये तो नारियल ही लग रहा है। हाँ, असली है तो? हाँ बिल्कुल असली है। इसी नारियल के ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि ये भी एक ट्रिक है।
अब क्या इसके ऊपर बैठा देते हैं हाँ। और ये ऊपर से कपड़ा पकड़ा देते हैं, क्यों बैलेंस बनाना हाँ, पड़ता हाँ, है ना हाँ, हाँ। बैलेंस बनाने के बाद क्या होता है, ये अपने आप ये देखो ये घूम रहा है, देखो ये तो घूम रहा है नारियल, ये देखो ये घूम रहा है, ये देखो ये हाँ ये तो घूम रहा है, ये देखो ये घूम रहा है, ये नारियल देखो 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 यहाँ पानी बहुत मीठा है, बहुत मीठा पानी है यहाँ पे। अरे नारियल तो यहाँ भी घूम रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोधपुर के नारियल बाबा घुमा रहे थे। बंटी ने बताया ये सब एक ट्रिक है जिसे एक खास अंदाज में अंजाम दिया जाता है। इस तरह से वो करते हैं, खेत वाले किसान को मोमबत्ती अगरबत्ती कुछ दे देते हैं, तू वो अब घूमने लग जा, और इधर पूजा पाठ शुरू हो जाती है और इधर इसको घुमाना शुरू हो जाता है, ये घूमने लग जाता है, और जहाँ ये रुका जिस दिशा में ये रुक गया उस समय किसान को वहाँ भेज देते हैं, कह देते हैं कि वहीं चले जाओ, वहीं और फिर ये दावा करते हैं कि यहाँ पानी है। और मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ एक व्यक्ति अगर 10 में से एक व्यक्ति की सही निकल जाती है तो वो 100 व्यक्ति को लेके आता है। जोधपुर का वो किसान भी कहीं उन्हीं 10 में से एक तो नहीं है जहां बाबा का तुक्का सटीक बैठ जाता है जिससे लोग इसे चमत्कार मान बैठते हैं। ये पता करने के लिए हम चुरू से जोधपुर के लिए निकले। फिर से उसी खेत में पहुंच गए जहां बाबा ने 3 जगह पर निशान लगाए थे। यहां वाकई पानी है या नहीं, वैज्ञानिक यंत्र अब इस बात का पता लगाएंगे। वेलकम दीपक। वेलकम कन्हैया। तो अब एक तरफ बाबा की दिव्य शक्ति है और दूसरी तरफ विज्ञान है। हमारे साथ दीपक माहेश्वरी और कन्हैया सिंह हैं जो पिछले कई सालों से वैज्ञानिक तरीके से ज़मीन के नीचे कहाँ पानी है उसे खोजने का काम करते हैं और यही इनका काम है। और दूसरी तरफ बाबा की दिव्य शक्ति है जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस जगह पर लड़का अगरबत्ती लेकर खड़ा था और नारियल पर बैठा हुआ इंसान घूम रहा था उस जगह पर पानी है। अब उस जगह पर पानी है या पानी नहीं है इसे हम वैज्ञानिक तरीके से और कई तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। और ये कितने सटीक है? पानी होगा हाँ, वहाँ ये इस तरह से क्रॉस हो जाती है, जहाँ पानी होगा वहाँ ये क्रॉस कर जाती है हाँ। और जहाँ पानी या तो इस तरह से क्रॉस होगा हाँ, या इस तरह से क्रॉस होगा। कुछ ही देर में यहाँ पे देखिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट है, यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है, इट्स अ टोटल ड्राई पॉइंट, यहाँ पानी है ही नहीं, टोटली ड्राई पॉइंट, टोटल ड्राई, इस जगह पर कोई पानी नहीं, पक्का बैठ कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, कोई पानी नहीं 100%। बाबा ने 3 जगह पर निशान लगाए थे। पहला पॉइंट सूखा निकला, डाउजिंग रॉड में कोई हलचल नहीं हुई। एक दूसरी जगह है वो यहाँ से बस 2 कदम की दूरी पर है, मुझे इस जगह के लिए बताइए। ये देखिए हाँ, यहाँ पे भी सर्च पोजीशन, देयर इज नो वाटर। दूसरी जगह पर भी रॉड नहीं हिला, मतलब यहाँ भी पानी नहीं था। अगर नारियल बाबा के कहने पर किसान यहाँ बोरवेल कराता तो एक बूंद पानी नहीं मिलता। सामने ये तीसरी जगह है, अब इस तीसरी जगह पर मैं भी एक बार इस डाउजिंग रॉड से देखिए कि इस जगह की स्थिति क्या है, नीचे पानी है या नहीं है। ओके हाँ, ये देखिए ये भी सर्च पोजीशन है, ये सर्च पोजीशन है, तो नो वाटर, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए इसका मतलब ये पानी नहीं है, बैठ कर सकते हैं इसके ऊपर, कोई पानी नहीं मिलेगा।
एक बार लाइए, एक बार मैं देखूं कि ये मेरे हाथ में आने के बाद डाउजिंग रॉड ये इसका पोजीशन क्या रहता है, ये हम देखते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पानी नहीं है। नारियल बाबा की भविष्यवाणी फेल होती दिख रही थी। एक के बाद एक तीनों जगह पानी नहीं होने के संकेत मिले, लेकिन मामला 150 साल पुरानी परंपरा का था और हम इसकी पड़ताल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। कई बार हवा या गलत पकड़ की वजह से डाउजिंग रॉड का मूवमेंट सही नहीं होता, फिर ये मशीनें काम आती हैं जो ये बताती हैं कि डाउजिंग रॉड से मिली जानकारी कितनी सटीक है। विशेषज्ञों की टीम दोनों यंत्रों की मदद से नारियल बाबा की बताई तीनों जगहों के परीक्षण में जुट गई। करीब एक घंटे में सारे डेटा, फ्रीक्वेंसी और डायग्राम सामने आ गए, जिसके मुताबिक डाउजिंग रॉड ने सही बताया था, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, जो साइंटिफिक मेथड था उससे अपन ने सारे डेटा कलेक्ट किए और उस डेटा के जो रिजल्ट्स हैं वो अब स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बाबा के चमत्कार का दावा पूरी तरह खारिज हो चुका था, निशान वाली जगह सूखी निकली। फिर नारियल कैसे घूम रहा था, क्या वजह हो सकती है, ये सवाल हमने जादूगर से पूछा था। सब करामात इस नारियल की। नारियल का करामात है, कैसे? इसके ऊपर जब आप खड़े होंगे, ये जब टिकता है, केवल पॉइंट टिकता है इसका, ऐसे पॉइंट टिकता है। हाँ, ठीक है। और व्यक्ति जब खड़ा होता है तब यहाँ जैसे कांटा बाट नहीं होता है क्या, उस तरह से बैलेंस बनता है, तराजू की तरह हिलने लग जाता है। अब जिधर जोर पड़ेगा नारियल उधर से घूमना लग जाएगा। रही बात जोधपुर में भूजल स्तर की, तो कृषि विभाग लगातार सर्वे करता है और किस इलाके में कितनी गहराई में पानी है इसकी जानकारी भी दी जाती है। इस एरिया में थोड़ी शिक्षा की भी कमी है, रूढ़िवादी परंपरा है, इसलिए इस लोगों को, इसलिए इसको नारियल वाले को परंपरा को लेकर चल रहे हैं, ये सरासर गलत धारणा है और नारियल घुमाने से कोई पानी मिलता भी नहीं है। विज्ञान और चमत्कार में जंग कोई नई बात नहीं है, आपको किसके साथ जाना है ये फैसला आपका होगा। लेकिन यहां बात आस्था और विश्वास की नहीं, फसलों की सिंचाई और किसानों की खुशहाली की है।